उदाहरण एक एक दशमलव पाँच 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 अनंत तक बराबर एक दशमलव पाँच के ऊपर बार को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए हमें एक दशमलव पाँच, पाँच 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 बराबर एक दशमलव पांच का बार को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है इसके लिए सबसे पहले हम माना माना p बटा क्यू बराबर एक दशमलव पांच 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 इसे हम पहला समीकरण मानेंगे अब दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में दस का गुणा करने पर हम पहले समीकरण p बटा क्यू बराबर एक दशमलव पाँच 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 जिसे हमने पहला समीकरण माना था उसे दोनों पक्षों में दस का गुणा करेंगे दस का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा दस p बटा क्यू बराबर दस गुणित एक दशमलव पाँच 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 या दस p बटा बट बराबर दस को एक दशमलव पांच 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 से गुणा करने पर दशमलव एक स्थान दाई ओर आगे आ जाता है तो हमें प्राप्त होगा पंद्रह दशमलव पांच 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 इसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे अब आगे अगले पृष्ठ में देखते हैं समीकरण दो से एक को घटाने पर दूसरा समीकरण जो था हमारा वो था दस पी क्यू जो कि पक्ष में था और पहले समीकरण के बाय पक्ष में हमारा पी बटा क्यू था तो हम दस पी बटा क्यू क्योंकि हम इसे घटा रहे तो ऋण पी बटा q बराबर अब दूसरे समीकरण में दाएं पक्ष में हमारे पास था पंद्रह दशमलव पांच 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 इस संख्या को पहले समीकरण के दाएं पक्ष में था हमारे पास घटाएंगे एक दशमलव पाँच पांच 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 अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दस पी बटा क्यू ऋण पी बटा क्यू में पी बटा क्यू को उभयनिष्ठ जब हम निकालेंगे तो कोष्टक में हमारे पास रहेगा दस ऋण एक और उभयनिष्ठ परिमेय संख्या पी बटा क्यू कोष्टक के बाहर होंगी अब कहीं हम दशमलव पाँच, पाँच 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 को दशमलव पाँच 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 से घटाएंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। फिर पंद्रह को जब हम एक से घटाएंगे तो हमें चौदह मिलेगा। तो ये हमें चौदह प्राप्त हुआ अब दस ऋण एक बराबर नौ पी बटा क्यू बराबर चौदह या p बटा q बराबर चौदह बटा नौ तो हमने क्या किया एक दशमलव पांच 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 को p बटा q परिमय संख्या चौदह बटा नौ में व्यक्त किया यह इस उदाहरण का हल है